Hey beauties, welcome back to my channel. Today I'm going to show you this Karwa Chauth makeup look. So if you are new here, then please subscribe my channel and also share it with your friends. Now without wasting time, let's get started. So सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ. उसके लिए ब्लॉसम की मैंने विटामिन सी डे क्रीम यूज़ की है. दिस इज़ गुड फॉर ऑल द स्किन टाइप. उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी. प्राइमर आपके सारे ब्रेकआउट्स और ओपन पोर्स को हाइड करने में हेल्प करता है. मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर मैं फिटमी का फाउंडेशन लूंगी. एंड यू डोंट नीड टू चूज द सेम ब्रांड विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. बस आपको प्रोडक्ट सेम रखना है, बाकी ब्रांड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. एंड यस, मैं इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत ही स्मूथ लुक लगे. सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर हम अपने फाउंडेशन को टैप करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट टिप गाइज, दैट ऑलवेज चूज द ब्यूटी ब्लेंडर टू टैप योर फाउंडेशन. नेवर यूज योर हैंड और एनी ब्रश जस्ट टू मिक्स योर फाउंडेशन ऑन योर फेस. और हाँ, नेक पे फाउंडेशन अप्लाई करना कभी मत भूलिएगा, वरना आपका फेस और नेक दोनों का कलर डिफरेंट लगेगा. अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नेक में भी फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं. नाउ आई विल अप्लाई लूज पाउडर ऑन माई फेस. Here I'm using Maybelline New York loose powder. You can use any loose powder which suits your skin. So I'll apply it all over my face. और हाँ, neck पे भी apply करना मत भूलना. Now it's time to do eye makeup. So eye makeup करने से पहले हम concealer use करते हैं under the eye and also on the eyelid. So here's the tip number 2 कि अगर आपके dark circle बहुत ज़्यादा हैं तो directly light shade का concealer use मत करें. पहले एक dark shade का concealer apply करें, उसके ऊपर light shade का concealer apply करें. Because मेरे dark circle अभी ज़्यादा visible नहीं है, so मैंने एक light shade ही apply किया है. Now with the help of beauty blender मैं इसे अच्छे से blend कर लेती हूँ. After blending it well, I'll apply same loose powder under my eye and also on my eyelid. So here's another tip for eye makeup कि कभी भी आप अपने कोई भी आई शेडो अपने आईज पर डायरेक्टली अप्लाई मत करें बिना कंसीलर और लूज पाउडर अप्लाई किए. बिकॉज कंसीलर और लूज पाउडर उसे एक बेस देते हैं जिससे आपका आई शेडो का कलर और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा विजिबल होगा. सो ऑलवेज अप्लाई लूज पाउडर एंड कंसीलर बिफोर अप्लाइंग एनी आई शेडो. मैंने लूज पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी. सो आई मेकअप के लिए मैंने आई शेडो पैलेट से ये ऑरेंज शेड पिक किया है. एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूंगी. सो हियर इज अनदर टिप कि आप जो पहला कलर आई कलर चूज करेंगे उसे आप हमेशा अपनी क्रीज लाइन पर ही अप्लाई करेंगे और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे. और आप इसे जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कलर स्मूथ लुक देगा. सो अब मैंने सेम आई शेडो पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड चूज किया है और सेम ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे आउटर वी से ले जाते हुए इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड करूंगी. इस आई शेडो पैलेट के कलर बहुत ही पिगमेंटेड हैं और बहुत ही ब्राइट लुक देते हैं जो कि फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है. सो ये दोनों कलर अप्लाई करने के बाद हम अपनी आईज पे एक कट क्रीज क्रिएट करेंगे जिससे ये 3D लुक देगा विद द हेल्प ऑफ सेम कंसीलर. सो कंसीलर की हेल्प से हमें हाफ मून बनाना है अपनी आईलिड पर, अपनी क्रीज लाइन के नीचे सिर्फ आईलिड पर. नाउ विद द हेल्प ऑफ सेम लूज पाउडर मैं इसे अच्छे से फिक्स कर दूंगी. अब सेम पैलेट से मैं ये ग्रीन कलर पिक करूंगी और इसे अपने सेंटर आईलिड पर लगाऊंगी. और ये ग्रीन कलर हम सिर्फ सेंटर में ही अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर आईलिड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हम ये एक 3D लुक क्रिएट कर रहे हैं. सो हमें ये कलर सिर्फ सेंटर में ही अप्लाई करना है. इसे अप्लाई करने के बाद मैं आउटर वी पर एक डार्क आई शेडो अप्लाई करूंगी. इसके लिए मैंने दूसरी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर पिक किया है. अब इनर कॉर्नर के लिए मैं ये गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ. अब इस आई मेकअप को ग्लिटर लुक देने के लिए मैं ब्रश में ये सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करूंगी. हमेशा सेटिंग स्प्रे को अपने ब्रश में स्प्रे करें, फिर पाउडर ग्लिटर अप्लाई करें. नाउ फ्रॉम अनदर पैलेट मैं हल्का सा सिल्वर कलर अप्लाई करूंगी. अब मैं यहाँ आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ.
यहाँ मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज किया है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बट आई पर्सनली लाइक दिस लाइनर बिकॉज ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है और उतनी ही जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। सो यू कैन श्योरली ट्राई दिस वन इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आई लाइनर विच इज अफोर्डेबल इन प्राइस। यहाँ मेरा आई मेकअप हो गया है, सेम ऐसा ही हम दूसरी आई में भी कर लेंगे। अब मैं काजल अप्लाई करूंगी। काजल के लिए मैंने लैक्मे आइकॉनिक काजल लिया है, आप कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से ग्रीन आई शैडो को अपने काजल के नीचे अप्लाई करूंगी। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई मस्कारा। आफ्टर मस्कारा मैं फेक लेसेस अप्लाई करूंगी बैक साइड द कैमरा। सो आई मेकअप इज डन, नाउ आई विल कॉन्टोर माई फेस। फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क वी फेस ड्यू स्टिक। इस स्टिक में कॉन्टोर और हाइलाइटर दोनों ही एक ही स्टिक में अवेलेबल है, सो यू डोंट नीड टू परचेज देम सेपरेटली। आपको सेम वे में कॉन्टोर अप्लाई करना है, इन द सेम वे आई एम अप्लाइंग राइट नाउ। नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड इट वेल। सो चीक बोन में कॉन्टोर ब्लेंड करते समय हमेशा ऊपर की साइड ब्लेंड करना है और डबल चिन को हाइड करने के लिए हम कॉन्टोर हमेशा जॉ लाइन के नीचे ब्लेंड करेंगे। सो फेस के दूसरे साइड भी हम सेम वे में ही ब्लेंड करेंगे। नोज में जो हमने कॉन्टोरिंग की थी उसे हम बाद में ब्लेंड करेंगे, पहले हम लूज पाउडर अप्लाई करेंगे। सो लूज पाउडर के लिए मैंने सेम मेबलिन का लूज पाउडर यूज किया है। इसे हमें जहां हमने कॉन्टोर यूज किया था चीक बोन पे उसके नीचे अप्लाई करना है। सेम हमें फेस के दूसरे साइड भी कर लेना है। अब नोज में जो कॉन्टोरिंग की थी उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम अपने फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट को हाइलाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम ड्यू स्टिक। जहां जहां मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम वहां वहां आपको भी अप्लाई करना है। अब मैं ब्रश की हेल्प से ब्लश अप्लाई कर लूंगी। सेम फेस के दूसरे साइड भी अप्लाई करना है और हाँ लिपस्टिक अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज ये करवा चौथ लुक है सो बिंदी ज्वेलरी और एक अच्छी हेयर स्टाइल उसे और अट्रैक्टिव लुक देगी। सो हियर इज माय फाइनल लुक, हाउ इज इट प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स सिस्टर्स या मम्मी लोग को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो करवा चौथ पर घर पर ही इजिली मेकअप कर सकें। और हाँ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।